In this video, we will learn about potential energy. So let's start from its definition. It is the energy possessed by the object due to the change in its position above the ground or change in its shape and size. ये क्या है एनर्जी? वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं उसकी पोजीशन में अबव द ग्राउंड. या फिर उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में अगर चेंज लाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. एग्जाम्पल के लिए आप देखें, किसी रबड़ को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो चोट लगती है. क्यों लगी? क्योंकि उसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट क्या है आपका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दूसरी क्या है आपकी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दो तरह के टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है. पहली हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. देखिए कि ये वॉल है, इसमें मैंने क्या किया, एक फुटबॉल को ऊपर रख दिया. जब मैं फुटबॉल को ऊपर रख रही हूँ, मैं वर्क डन कर रही हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रही हूँ, वो इसके अंदर स्टोर होगा इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस बॉल के अंदर स्टोर होगा इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट due to the change in its position above the ground. यानी ground से ऊपर किसी object को लाने की आप कोशिश करो तो क्या करोगे आप? gravitational force के against जो है work done करोगे, और वो जो work आप कर रहे हो उसके अंदर store होगा in a form of energy, जिसे हम बोलते हैं gravitational potential energy. अब बात करते हैं elastic potential energy की. देखिए यहाँ पर bow और arrow का example मैंने लिया है. इस arrow को मैं अभी hit करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है इलास्टिक, इसको पीछे की तरफ खींचती हूँ और अब मैं एरो छोड़ूं तो ये आगे की तरफ जाएगा. तो ये जो स्ट्रिंग है, इसको मैं पीछे की तरफ ले गई, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर वर्क डन किया. ये जो वर्क है, इसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी ही आपकी क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट इज द एनर्जी possessed by the object due to the change in its shape and size. किसी object की वो energy जो वो possess कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके shape में और size में change आ रहा है, तो उसके अंदर जो energy store होगी, that energy is known as elastic potential energy. I hope now you know what is potential energy and its type. Thank you.